तो क्या रद्द हो जाएगा सपा मुखिया अखिलेश यादव का नामांकन? सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने लगा दिया बड़ा आरोप। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश कैसे करेंगे इस समस्या का सामना? मीडिया सूत्रों के हवाले से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नामांकन को चुनौती दे दी गई है। यही नहीं, अखिलेश यादव के नामांकन को रद्द करने की मांग भी रखी गई है। पूरा मामला हम आपको बताएं, उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। पूरा मामला मैनपुरी की करहल सीट से जुड़ा है, जहां नामांकन कराने वाले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता ने आय से अधिक संपत्ति मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। यही नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर को ज्ञापन देकर उनका नामांकन तक रद्द करने की भी मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एवं मीडिया सुर्खियों की माने तो 31 जनवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए करहल सीट से नामांकन कराया था। शपथ पत्र में अखिलेश यादव ने बताया था कि उनके पास 8,43,70,645 रुपए की चल संपत्ति और 17,22,858 रुपए की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी डिंपल यादव के पास 4,76,84,986 रुपए की चल संपत्ति और 9,61,98,918 रुपए की अचल संपत्ति है। शपथ पत्र में यह भी बताया गया कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2012 में उनकी वार्षिक आय 1,25,00,000 रुपए थी, जो अब घटकर 83,98,000 रुपए हो गई है। पूर्व सीएम के पास 1,89,000 रुपए नगद हैं और डिंपल यादव के पास 3,32,000 रुपए कैश है, जबकि 2019 में अखिलेश के पास 3,91,040 रुपए की नकदी थी। अखिलेश यादव के बैंक अकाउंट में 5,56,00,000 रुपए जमा है, वहीं डिंपल यादव के खाते में 2,57,00,000 रुपए जमा है। अखिलेश की बेटी अदिति यादव के नाम भी 10,39,410 रुपए की चल संपत्ति है। अखिलेश यादव की कुल संपत्ति 40,04,55,407 रुपए है, जबकि 2019 में लोकसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में उनकी संपत्ति 37,78,59,166 रुपए थी। इस बार अखिलेश की संपत्ति में 3 करोड़ रुपए का इजाफा दर्शाया गया है। अखिलेश यादव के पास 76,015 रुपए का मोबाइल फोन है, जबकि 17,085 रुपए का फर्नीचर और 5,35,458 रुपए के फिटनेस इक्विपमेंट्स हैं। उन्होंने अपने पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को 2,13,00,000 रुपए कर्ज दिया है। मुलायम सिंह के अलावा अखिलेश यादव ने 6 अन्य लोगों को भी 28,00,000 रुपए उधार दिए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने डिंपल यादव से 8,15,000 रुपए उधार लिए हैं। अब उनके इसी शपथ पत्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने उन पर आय से अधिक संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगा दिया है। अधिवक्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर को ज्ञापन देकर मैनपुरी के करहल सीट से उनका नामांकन तक रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन में आय से अधिक संपत्ति मामले की जानकारी छिपाई है, लिहाजा इनका नॉमिनेशन रद्द किया जाए। ये अधिवक्ता अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस भी लड़ रहे हैं।